गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नजन पीएचडी ब्लॉग पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ आज क्या क्या हुआ है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, ये सब कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या हुआ पे यहाँ पे, पानी वानी कैसे भर गया, ये सब कुछ मैं अपना चैनल पे दिखाऊंगा। मैं अभी देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ मेरा फार्म एरिया में। देखिए फार्म का जो बगीचा है उसमें पूरा पानी घुस गया है और ये मैं फार्म का तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना फार्म ही दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारा यहाँ पे ये सीज़न पे बहुत पानी होता है, इससे लेके 3 बार हो गया मेरा फार्म में पानी घुस गया। मेरा नसीब अच्छा है कि मैंने चांग फार्म बनाया है, कैश फार्म, इसलिए मेरा बॉयलर को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। बॉयलर सारा ऊपर रहते हैं तो इतना असुविधा नहीं हुआ, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ बॉयलर्स को, प्रॉब्लम नहीं हुआ मतलब बॉयलर को प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। ये देखिए फार्म का अंदर भी पानी घुस गया है, इतना पानी है, बल्कि थोड़ा देर बाद में सूख ही जाएगा। रात को ज़्यादा था यहाँ पे पानी तो अभी इतना यहाँ पे भी अभी फिर भी थोड़ा बहुत पानी है। जब पानी घुसते हैं तो इसका क्या होता है, छोटी छोटी पानी में मिक्स हो जाते हैं तो इसका स्मेल जो है, स्मेल थोड़ा ज़्यादा होता है। जब तक धूप नहीं आता, अच्छा से नहीं सूखता, तब तक ऐसे ही रहेगा ये। गाइस मैं आप लोग को मेरा फार्म दिखा रहा हूँ अच्छा से, देखिए इसका बाद मैं दिखाऊंगा ये हमारा गांव पे क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है पानी का वजह से। ये ज़्यादा बारिश का पानी से, पानी का वजह से ये सब हुआ है, ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को पूरा मेरा फार्म दिखाया, फार्म में पानी हुआ है, लेकिन मेरा जो बॉयलर है यह सब मैंने चांग में रखा है, कैस चांग बनाया है मैंने, तो ये मेरा बॉयलर को इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ऊपर भी अच्छा से ये ऐसा लगाया हुआ है, ऊपर का भी जो मैंने ऊपर में प्लास्टिक लगाया है उसका नीचे तामुल का पत्ता लगाया हूँ ठंडे पड़ने के लिए, तो ऊपर से ऐसा पानी आने का कुछ चांस नहीं है। मैंने ऊपर बहुत अच्छा से बना के रखा है, इसलिए जब भी पानी आता है नीचे का तरफ से ही पानी घुसता है, क्योंकि मैंने मिट्टी बहुत कम उठाया इस सीज़न में। ये बरखा जाने के बाद आने वाला सूखा सीजन में मैंने इस पर ज़्यादा सा मिट्टी डाल दूंगा और उसका बाद अगला साल जो बरखा आएगा यहाँ पे ऐसा पानी नहीं घुसेगा। देखिएगा इसमें आपको अभी तो फार्म दिखा दिया, इसका बाद मैं दिखाऊंगा हमारे यहाँ पे छोटा सा ब्रिज है उसका हालत क्या है, कैसे है। हर बार पानी आने से ये इसका मिट्टी चला जाता है साइड साइड में, मैं ये सब दिखाऊँगा आप लोगों को। गाइस मैं अभी फार्म से नदी का तरफ जा रहा हूँ, अपना फार्म से नदी का तरफ मैं आप लोग को दिखाऊंगा नदी कैसे भर गया है, पहुंच के दिखाऊंगा। और ब्रिज भी टूट गया बोल रहा है सब लोग, ये ब्रिज भी आप लोग को मैं दिखा दूंगा। आज रात को बहुत ज्यादा बारिश हुआ और यहाँ पे देखिए नदी भर गया, सब लोग मच्छी पकड़ रहे हैं सुबह सुबह। छोटा मोटा गांव है, गांव में जितना भी आदमी लोग सब लोग आ गया यहाँ पे मच्छी पकड़ने के लिए। ये मेरा पूर्णम भैया भी आ गया सुबह सुबह, बहुत दिन का बार इधर आता ही नहीं कभी भी, मछली खाने का। हमको तो मारने नहीं आता है फिर भी, कोई फिर भी देगा तो ले जाएगा। देख पूर्णम दा भी मुस्कान से बोल रहे, कोई देगा तो थोड़ा लेके जाएगा, और मुझे भी मारने के लिए आता ही नहीं है, मैं भी ऊपर खड़ा होके देख रहा हूँ बस, कोई देगा तो लेके जाएगा बोल के। यहाँ पे हम लोग का ये ससाबिल का ब्रिज भी टूटने वाला है, अभी पता नहीं ये टूट जाएगा तो क्या होगा, अंदर से आदमी लोग कैसे आना जाना करेगा। यहाँ पे आगे जो गांव है छोटा सा गांव, यहाँ से भी बहुत लोग आना जाना करते हैं, ये टूट गया तो पता नहीं यहाँ से कैसे आएगा लोग। इधर भी टूटने वाला है, देख ये मिट्टी अंदर जा चुका है, शायद 2 पैर तक गिर जाएगा। का नज़ारा देखिए ऐसा, सारा चारों तरफ पानी पानी हो गया है गाइस, लग रहा है ये साल का ये लास्ट पानी है। बहुत भीड़ से आ रहा है, बहुत तगड़ा ही पानी है। उठा उठा
गाइस मैं आप लोग को दिखाया नदी कैसा भर गया है। चलो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।